जय माता दी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिपल वृषभ राशि की नवंबर में क्या होगी धन की स्वास्थ्य की उनके परिवार के उनके दाम्पत्य के उनके करियर की उनकी नौकरी की स्थिति इसके बारे में चर्चा करेंगे और 15 नवंबर यानी नवंबर के महीने में शनिदेव सो के अब जाग रहे हैं शनिदेव मार्गी हो जाने वाले वृषभ राशि के जीवन में क्या स्थिति लेके आएंगे क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राशि के अनुसार दशम भाव में शनि बैठे हैं दशम भाव कर्म का होता है प्रोफेशन का होता है तो यहां पर मार्गी होने से आपके के बहुत सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं उसके बारे में 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 भी इस कार्यक्रम हम डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले मंथरी राशि फल यानी वृषभ टॉरस की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं ये कुंडली आ रही है आपकी वृषभ राशि की तो कहीं ना कहीं आपकी ही कुंडली में बृहस्पति विराजमान है अभी वक्री रहेंगे तो थोड़ा सा हेल्थ में के महीने में भाई आपको सावधानी रखनी है क्या रखनी है उसके बारे में बात करेंगे मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं केतु आपके पांचवे भाव में बैठे हैं जहां नंबर लिखा है साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच की स्थिति में आकर छठे भाव में बैठे हैं यानी कि यहां पर स्थिति कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला तो यहां पर क्या है सूर्य और चंद्रमा वैसे भी कमजोर थे और ऊपर से छठे भाव में आ गए तो यहां पर आपको विशेष सावधानी रख होगी ये किस क्षेत्र में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ ही साथ बुद्ध और शुक्र दोनों जहां लिखे आपका दाम्पत्य जीवन होता है कहीं शनिदेव अभी वक्री हो रखे है यानी कि दसम स्थान कर्म नौकरी प्रोफेशन कुछ भी कह लीजिए जो भी आप काम करते हैं उसके मालिक शनि दसम में बन जाते हैं तो यहां के स्वामी अभी सो रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा सफलता कार्यों में आप महसूस कर रहे होंगे कि हर काम डिले हो रहा है सफलता हाथ नहीं आ रही कारण शनिदेव अभी सो रहे हैं पंद्रह नवंबर के बाद ये जाग जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आप क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे राहु देवता आपके लाभ भाव में बैठे है तो विदेशों से कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नवंबर में नजर आएगा आप विदेश में आपने अप्लाई किया है विदेश से संबंधित जाना चाहते हैं विदेश से संबंधित अप्रूवल चाहिए वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं डिटेल में चर्चा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा एक तारीख से लेकर नवंबर तक ये जो छो नवंबर है यहां तक शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे और शुक्र की सातवीं दृष्टि देखिएगा वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि में बैठे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है इनकी दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं किसी जीव जंतु से आपको चोट लग सकती है वाहन से आपको चोट लग सकती है इन्फेक्शन एलर्जी का भाई आपको खतरा बना रह सकता है तो ये जो छः दिन है आपको के लिए भारी रहेंगे वृषभ राशि के लिए खासकर एक नवंबर से छः नवंबर तक फिर सात तारीख के बाद जो शुक्र है वो यहाँ से ट्रांजिट करके आपके अष्टम भाव यानी में आ जाएंगे यानी कहीं ना कहीं धनु राशि के अंदर आ जाएंगे तब देखा जाए तो सात तारीख से तीस नवम्बर के बीच में स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता हुआ नजर आएगा कुछ नया आप अध्ययन करेंगे या कुछ नई क्लासे आप लेंगे कुछ ना कुछ नया शौक आपके अंदर जागृत होगा कुछ वीडियो आप बनाएंगे कुछ यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं मतलब नया कुछ ऑनलाइन काम या सोशल मीडिया से संबंधित काम में आपकी शुरुआत होगी तो आ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सात तारीख के बाद आप कुछ इंटरेस्ट या नया नवेला कुछ करने वाले हैं धन की स्थिति यानी फाइनेंस के बारे में वृषभ राशि के बारे में बात करूं तो फाइनेंस के स्वामी बुद्ध है बुद्ध अभी सप्तम भाव में कमजोर ओर के यानी सप्तम भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं तो एक तारीख से लेकर और पच्चीस नवंबर तक ये यही रहने वाले हैं उसके बाद वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तारीख से लेकर और पच्चीस तारीख तक ता, नवंबर फाइनेंस के लिए थोड़ा गड़बड़ बता रहा है यानी बहुत अच्छा नहीं है एक तो ई आपकी बाउंस हो सकती है किसी को चेक फाड़ के दिया है तो वो बाउंस हो सकता है उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है है। दूसरा देखा जाए तो धन का फ्लो जो आपका धन आ रहा है वो हल्का फुल्का रुक सकता है कोई नया काम आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है चौथा आपका कर्जा बढ़ सकता है यानी कि ऐसी हो सकती है जिससे नवंबर में आपका बजट बिगड़ सकता है जिस वजह से आपको कर्जा उठाना पड़ सकता है तो फाइनेंस के हिसाब से एक तारीख से पच्चीस नवंबर बहुत अच्छा नहीं है बहुत खर्चे कराने वाला बड़ा नुकसानदायक नवंबर का महीना रहेगा हालांकि छब्बीस नवंबर के बाद स्थिति में बदलाव आ जाएगा अब अब बात करते हैं वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में तो पारिवारिक जीवन के स्वामी सूर्य हैं सूर्य है जैसा मैंने बताया कि छठे भाव में बैठे हैं और नीच राशि के बैठे हैं तो एक तारीख से लेकर 16 नवंबर तक माता पिता क्योंकि छठा भाव रोग का होता है और माता पिता सूर्य और चंद्रमा दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं तो माता पिता को हेल्थ के इशू हो सकते हैं माता पिता को कोई बीमारी रह सकती है माता पिता की कोई बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है माता पिता को आप डॉक्टर को दिखाने ले जा सकते हैं उसका योग बनता है घर में कोई सरकारी नोटिस के योग बनते हैं वाहन पे आपका खर्चा रहेगा या बिजली पे आपका या मशीनरी पे आपका खर्चा हो सकता है 16 नवंबर तक फिर 17 तारीख को सूर्य देव नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे यानी 17 से लेकर 30 नवंबर के बीच में स्थिति नॉर्मल है माता पिता की हेल्थ में भी रिलीफ मिलेगा माता पिता घर से संबंधित टेंशन में भी आपको रिलीफ मिलेगा यानी पारिवारिक स्थिति आधा महीना तो बहुत ही खराब है भाई और आधा महीना ठीक है आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि के संतान भाव के बारे में तो संतान के लिए पूरा का पूरा नवंबर का महीना एक तारीख से लेकर तीस नवंबर तक संतान के लिए मिला जुला रहेगा क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि के केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं केतु के जो इंफेक्शन के कारक होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपकी छोटी बड़ी संतान को नवंबर में रह सकती है साथ ही साथ करियर विद्या में बड़ा बदलाव बड़ा, बड़ा चेंज आपको नवंबर में देखने को मिलेगा साथ ही साथ स्वभाव में भी आपके छोटी बड़ी संतान के बड़ी जिद्दपन आ जाएगी आपकी हर बात को नकारते हुए नजर आएंगे यानी स्वभाव के अंदर भी आप जिद्दीपन बड़ा बदलाव देखते हुए नजर आएगा कुल मिलाकर संतान के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन विद्या सुचारू रूप से चलती रहेगी करियर बड़ी संतान का भी सुचारू रूप से चलता रहेगा लेकिन आपसे वाद विवाद हटपन करते रहेंगे यानी नवंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातक और जाते का संतान से थोड़ा परेशान रहने वाले हैं बात करें स्टूडेंट विद्यार्थी के बारे में तो उनके जीवन में नवंबर के महीने में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं जी चार चार घट्टा स्टूडेंट के जीवन में घट रही है पहला नवंबर के महीने में वाहन पे आपका खर्चा होगा दूसरा मित्रों से वाद विवाद तीसरा एकाग्र चित्ता की कमी सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे आपका, सोचते रहेंगे। आपका आप नवंबर के महीने में बड़े दुविधा में रहेंगे बड़े भ्रमित रहेंगे एकाग्र चित्ता की कमी रहेगी मन बहुत चंचल रहेगा कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा जिस वजह से आप किसी भी चीज में ध्यान दे नहीं पाएंगे नवंबर के महीने में चौथा किसी मित्र यार दोस्त जान पहचान के कारण जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको भारी नुकसान होगा तो किसी भी चीज में धन दुगना चौगना शेयर लॉटरी जुआ गेम में इन्वेस्टमेंट ना करें और मित्र और जान पहचान की एडवाइस से तो बिल्कुल ना करें भारी नुकसान के आपके योग नजर आ रहे हैं तो भाई स्टूडेंट के जीवन में चार नेगेटिव घटनाएं नवंबर में बन रही है अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं तो नौकरी वालों के लिए भी कहीं ना कहीं नवंबर का महीना दो भागों में पड़ता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि नीच राशि में बैठे हैं तो एक तारीख से लेकर 16 नवंबर के बीच में तीन घटनाएं वृषभ राशि वालों के जॉब में बन रही है पहला बॉस से आपकी किसी कारण से अनबन हो सकती है कभी आप बॉस से उलझ सकते हैं कभी आपका बॉस ही आपसे उलझ पाएगा उलझ जाएगा तो कुल मिला या तो बॉस से आप उलझोगे या बॉस आपसे उलझेगा तो कहते हैं ना कि खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे वही वाली स्थिति आपकी भी रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत से अनबन लिखी है दूसरा ऑर्डर बनते बनते काम आपके कैंसिल होंगे 16 नवंबर तक 16 नवंबर तक क्लाइंट हां हां बोल के एकदम से मुकर जाएगा प्रोजेक्ट हाथ में आते आता चला जाएगा लेटर सेंक्शन लेटर आपके हाथ में आते आते खिसक जाएगा आप देखेंगे ऐसा कैसे हो गया क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नीच के बैठे हैं साथ ही साथ देखा जाए आपको कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है या कोई जिम्मेवार भी आपसे छीन ली जा सकती है आप ऐसा योग बन रहा है सोलह नवंबर तक फिर सत्रह तारीख के बाद तीस नवंबर के बीच में देखा जाए यहां पर चीजें नॉर्मल हो जाती है सूर्य देव थोड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं वृश्चिक राशि में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां से आपके ऑर्डर निकलना शुरू होंगे बॉस से मैनेजमेंट से जो वाद विवाद जो आपको पनिशमेंट मिली है तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो जारी रहेगी आपकी थोड़ा नाराज तो रहेगा लेकिन थोड़ा -थोड़ा -साथ सोलह कुछ, कि कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे जिससे कि आधा महीना आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है तो खैर देखा जाए तो पद पावर पोजीशन के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ऑर्डर

जो दोनों के दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो एक तारीख से लेकर और नवंबर तक पार्टनर से वाद विवाद रहेगा और पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं और ये जो छह दिन है वो पार्टनर के लिए भारी है पार्टनर का चलान कट सकता है पार्टनर को करियर में प्रॉब्लम मतलब पार्टनर को बहुत सारे प्रॉब्लम रह सकते हैं ये छह दिन पार्टनर के हेल्थ के लिए उनके करियर के लिए उनके मेंटल हेल्थ के लिए उनके फिजिकल हेल्थ के लिए खराब है क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में बैठे तो बैड रिजल्ट देंगे फिर सात तारीख से लेकर तीस नवंबर में शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे धनु राशि में तो यहां से पार्टनर की स्थिति बदलेगी पार्टनर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे पार्टनर की हेल्थ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन या किसी मैरिज में जाने के आपके योग बनते हैं साथ ही साथ पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है दिल थाम के बैठे पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नवंबर में देने वाला है। तो कुल मिला के पार्टनर से दाम्पत्य जीवन रिलेशन सात नवंबर के बाद बहुत बहुत पंद्रह नवंबर तक आपको क्योंकि शनि अभी वक्री हो रहे हैं तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी यानी उसका इतना अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा नहीं पंद्रह नवंबर तक कर्मचारी से भी आप परेशान रहेंगे कर्मचारी के झूठ से कर्मचारी के काम चोरी से आप परेशान रहेंगे साथ ही साथ या तुमने फ्रेम मिला दिया अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं फैक्ट्री करते हैं दुकान चलाते हैं तो नवंबर का महीना उनका कैसा रहेगा नवंबर का महीना आप लोगों का दो भागों में बटेगा क्योंकि शनि अभी वक्री है यानी कि अभी मार्गी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक तारीख से लेकर पंद्रह नवंबर तक शनि सोए हुए हैं तो मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा कर्मचारियों से वाद विवाद रहेगा कर्मचारियों के लेट लतीफी से आप परेशान रहेंगे कर्मचारी के झूठ से आप परेशान रहेंगे कर्मचारियों के कारण आप परेशान रहेंगे प्रयास करने के बाद भी बहुत अच्छे ऑर्डर नहीं मिलेंगे बहुत अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी साथ ही साथ नई नौकरी नए काम में भी सफलता नजर नहीं आ रही पंद्रह नवंबर तक खासकर फिर पंद्रह नवंबर के बाद यानी सोलह नवंबर तक शनि मार्गी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि जाग जाएंगे और क्योंकि जागते ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा व्यापारी भाई लोगों को कहीं ना कहीं सोलह से लेकर और तीस नवंबर के बीच में काम में अचानक तेजी आ जाएगी पुराने किए गए जो प्रयास जो आपने बहुत पुराने कर रखे हैं लेकिन वहां हाना, हाना, हाना कभी कभी हो हो रही है है काम डिले हो रहा है, तो वहां पर आपको ऑर्डर मिलना लगेगा आपका काम अब पंद्रह नवंबर के बाद सुचारू रूप से चलेगा यानी काम में तेजी देखा जाए और नए काम के योग या काम में सफलता आपको मिलेगी वो मिलेगी पंद्रह नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तब व्यापार के अपने काम वालों के बहुत सारे रास्ते खुल जाने वाले हैं मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही मुझे दीजिए दी जाए जय माता